गुड इवनिंग, मेरा नाम आशुतोष शर्मा है, आप देख रहे हैं पाथफाइंडर्स। आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर में आपके 6 ग्राफ हैं। अगर आपने कल का लेक्चर पढ़ा होगा या इसके पहले वाला आप वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने आपको लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ के 3 ग्राफ बताए, और 3 ग्राफ ये हैं। इस चैप्टर में 6 ग्राफ हैं और 6 में से एक नंबर का यानी 1 मार्क क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं और ये आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस भी या फिल इन द ब्लैंक्स वाले पूछे जाते हैं उनमें भी बन सकता है। आज हम जानेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, मींस हाउ रेजिस्टिविटी वेरीज विद द टेम्परेचर। क्योंकि कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर अपॉन एल, वेयर ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज लेंथ एंड आर इज रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हमारे किसी काम का नहीं है। इसके पहले हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, याद आ रहा है? मैंने आपसे कहा भी था कि कई बार बोर्ड में 3 नंबर का सीबीएसई में क्वेश्चन बन जाता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, तो हमने जब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का रिलेशन किया था तो उस रिलेशन में हमने ये चीज को ड्राइव किया था, दैट रो इज इक्वल टू एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, m is mass of electron, n is number of free electrons per unit volume, e is the charge of the electron and tau is the average relaxation time. एक बार जल्दी से relaxation time को समझते हैं। ऐसा होता है कि conductors में electron collide करते हैं और दो electron या जितने भी electron collide कर रहे हैं उनके टकराने के पहले तक का time का average जो है, उनके टकराने के पहले तक का जो time है उसका जो average है, that is called as average relaxation time. चलिए भाई आ जाइए, समझते हैं कि conductors के लिए, alloys के लिए और semiconductor के लिए temperature को बढ़ाने पर resistivity कैसे change होती है, ठीक? क्योंकि resistivity किस किस पर depend करती है? Number of free electron per unit volume and relaxation time. चलिए भाई समझते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं conductors की। graph मैंने आपको पहले ही बना दिया है, थोड़ा सा ये congested लिखा हुआ है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके इसको इनलार्ज करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैंने इसीलिए लिख दिया एक्सप्लेनेशन कि अगर बोर्ड में 2 नंबर का सवाल बने तो सीधा आप इसको लिख देना, एग्जामिनर आपका सिंगल मार्क भी कट नहीं करेगा। क्योंकि मैं भी कई सालों से स्पॉट एवेल्युएशन में जा रहा हूँ, मैंने देखा है कि बच्चे किस तरह से एक्सप्लेनेशन को लिखते हैं, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ये केल्विन में है टेम्परेचर, यहाँ रेजिस्टिविटी 10 की पावर माइनस 8 के रिस्पेक्ट में ली गई है, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर मल्टीपल्स में है और ये ओम मीटर्स की यूनिट है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। हमारे दिमाग में क्या बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव होने लगेंगे तो यार रेजिस्टिविटी तो भाई करंट ज़्यादा फ्लो होना चाहिए, रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है यार, आज ये समझते क्या है, हमने ये बात जाना कि जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया थर्मल एक्साइटेशन हुआ, भाई इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर हैं उनको क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी, वो गर्म हो गए उनके अंदर क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो जल्दी जल्दी मूव करने लगे, जल्दी मूव करे दे कैन कोलाइड देमसेल्फ मोर फ्रिक्वेंटली, वो जल्दी जल्दी कोलाइड होने लगे, मीन्स उनके कोलिजन का जो स्पीड था वो बढ़ गया, टाइम कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। भाई अगर किसी की रफ्तार बढ़ाओगे तो सीधी बात है टाइम कम हो जाएगा, और भैया इलेक्ट्रॉन के केस का जो टाइम है बेटा उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो बेटा ऑन, इसको मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है बिल्कुल क्लियर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ई नेगेटिव, गेट थर्मली एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया, थर्मली एक्साइटेड, गेन्स काइनेटिक एनर्जी, उनको कौन सी एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी, एंड मूव्स फास्टर, और बहुत तेज मूव करने लगते हैं या ज्यादा तेज मूव करने लगते हैं, दस दे कोलाइड्स मोर फ्रिक्वेंटली, ये जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगते हैं, यहां कॉमा लगा दे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक, मूव्स फास्टर, दस दे कोलाइड्स मोर फ्रिक्वेंटली, और ज्यादा कोलाइड करने पर क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एंड वी नो दैट द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वेरीज इनवर्सली विद द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम रेजिस्टिविटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हेंस डिक्रीजिंग द रेजिस्टिविटी। एक बार फिर से समझते हैं बेटा,
द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी. क्यों जान लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन गेट थर्मली एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन थर्मली एक्साइट हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है भैया, दे गेट्स गेन्स काइनेटिक एनर्जी. उन्होंने काइनेटिक एनर्जी को गेन किया, काइनेटिक एनर्जी को गेन करने पर क्या होंगे, दे मूव्स फास्टर एंड मूव्स फास्टर, दस कोलाइड्स मोर फ्रिक्वेंटली, डिक्रीजिंग द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वेरीज इनवर्सली विद द रेजिस्टिविटी. जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो इस रिलेशन के हिसाब से जब ये चीज कम हो गई है तो ये चीज बढ़ जाएगी. क्लियर हुआ आपको? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इस पूरे पॉइंट को आप नोट करिए. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के साथ साथ देखते हैं एलॉयज पर क्या फर्क पड़ता है. पहली बात तो एलॉयज की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत कम चेंज होती है. एक्चुअली एलॉय की रेजिस्टिविटी होती भी बहुत कम है. देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये माइक्रो ओम लिखा हुआ है और ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है. ओम मीटर है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है माइक्रो ओम और ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर. मीन्स एक्चुअली एलॉय, ये तो नहीं कह सकते कि एलॉयज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये तो नहीं कह सकते. दे वैरीज लीनियरली बट वेरी 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 स्लाइटली. मीन्स दे शो वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर. मीन्स उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करती है, लेकिन जितनी भी करती है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी वेरी करेगी. मैंने लिखा भी है एलॉयज एग्जिबिट वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर. मैंने एलॉयज के नाम बताए, निक्रोम है, कॉन्स्टेंटेन है और मैग्नाइन है. यार याद रखना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में आपको आगे पढ़ाऊंगा, उसका जो वायर बना हुआ है ना, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का जो वायर, वो किससे बना होता है? वो बना होता है मैग्नाइन से या कॉन्स्टेंटेन से. उसका रीजन क्या होगा ये आने वाले वीडियोस में आपको मालूम चलेगा. आ जाइए, बट वेरीज लीनियरली विद इट. मैंने लिख भी दिया अलॉय शो वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर बट इट वेरीज लीनियरली विद इट. जितनी भी वेरी करती है वो उससे लीनियरली वेरी करती है. ठीक, अब ये दोनों तो हो गए. सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला केस है. दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल अंडरस्टैंड दिस केस एंड हाउ. जान लीजिए यहां यार क्या हो रहा है, सेमी कंडक्टर जानते हो ना, सेमी कंडक्टर. जैसे इसका एग्जाम्पल गैलियम आर्सेनाइड, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ इन पर काम नहीं करता है. ठीक, ओम्स लॉ काम नहीं करना. चलिए भाई आ जाइए. जी आ जाइए, समझते हैं. सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ कम होती है. आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी कम होती जाती है. अब आप कहेंगे सर इनमें क्या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्रिक्वेंटली कोलाइड नहीं कर रहे? बिल्कुल कोलाइड कर रहे हैं. हुआ क्या, सेमी कंडक्टर मटेरियल ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जरा एग्जाम्पल बोलिए. आप नहीं बोल पा रहे, मैं बोल देता हूं. बस सर जी आशा सब तेरी, क्या समझिए आप, ये मेटलॉइड्स भी हैं. बस सरद जी, या आपको बस सर जी की आशा है, बस सर जी आशा सब तेरी. तो बस से हो गया बोरॉन, सर से हो गया सिलिकॉन, जी से हो गया जर्मेनियम, आशा से हो गया आर्सेनिक, सब से हो गया एंटीमनी और तेरी से हो गया टेलुरियम. शायद आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा ये मेटलॉइड्स भी हैं एंड दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. मींस दे आर व्हाट, सेमी कंडक्टर्स. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, तो इसमें आप गैलियम आर्सेनाइड ले लीजिए जो आपका ये मेटलॉइड्स है. ठीक है, तो आ जाइए. तो यहाँ पे जो हमने इसको, अगर आप नोट करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी नोट करिएगा. ठीक है, तो हमने गैलियम आर्सेनाइड का क्रिस्टल ले लिया, ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, यानी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फॉलो नहीं. टेम्परेचर बढ़ाने पर यार क्या होता है जानते हैं आप, सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे या कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. ज्यादातर के आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्होंने यार कोवेलेंट बॉन्ड बना ली, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन जाता है. जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, गेटिंग माय पॉइंट, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इनका कोवेलेंट बॉन्ड आपस में टूट गया.
जैसे ही बॉन्ड टूटा तो क्या निकले, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ये जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन निकले तो इसने क्या बढ़ा दिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। फिर से मेरी बात समझना, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, जान लीजिए सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब यहां से पढ़िए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आपको यह भी नहीं पता तो आप ये भी लिख सकते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स। लो, केमिस्ट्री का सारा मैंने रूल खत्म कर दिया। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड, on increasing the temperature the covalent bond between the semiconductor material ya crystal breaks, ye dekho maine likh bhi diya yahan important hai, breaks, thus increasing the number of free electrons per unit volume, and we know that by the relation rho is equal to m upon n e square tau। yaar yahan pe kya ho gaya, ye number of free electrons per unit volume ki value badh gayi। लो भैया, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, रो की वैल्यू क्या हुई, बट भैया एन की वैल्यू बढ़ गई, बदला कर सकते हैं, ठीक। और जब एन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर लगातार रेजिस्टिविटी आपकी कम होती जा रही है। तीनों ग्राफ को आप फेयर में नोट करो। इफ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। गुड बाय।